अस्सलाम वालेकुम दोनों ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दी माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हु वाज जाबिर बिन हयान। तो इस हवाले से बहुत सी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता आपने देखी है नहीं रही, क्योंकि मैंने ये टॉपिक यूट्यूब से सर्च कभी भी नहीं किया। ये मैंने अपनी बुक से ही मैं आपको आज इस बारे में आपको मैं जाबिर बिन हयान साहब के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो अगर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में करता आया हूँ, कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक बड़ा सा कमेंट कर दें। अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, हु वाज जाबिर बिन हयान? जाबिर बिन हयान वाज द फर्स्ट केमिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड केमिकल फॉर्मूला and principles from his experiments and thus laid the foundation stone of chemistry. He is slightly acknowledged as the founder of chemistry. He invented the three commonly known strong acids, such as sulfuric acid, nitric acid, and hydrochloric acid. Sulfuric acid is said to be backbone of modern industry. इसकी उर्दू में मायने बिल्कुल इस तरह है, जाबिर बिन हयान वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने केमिकल का फार्मूला इजाद किया और इन्होंने अपने तजुर्बात से उसूल बनाए और इस तरह केमिस्ट्री की संग बुनियाद रखी और इन्हें केमिस्ट्री का बानी भी कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने तीन किस्म के आम तेजाब इजाद किए, उनके नाम ये हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जदीद सनत की नींद की हड्डी भी कहा जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।